खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको। आज की इस क्लास में जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि रास्टर इमेज को वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। तो मेरे सामने यहाँ एक रास्टर इमेज मौजूद है जिसको अभी हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से फिल को कैंसिल करके स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और स्ट्रोक का जो कलर है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जितना भी हमारा ये ऑरेंज वाला एरिया है अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इमेज में जो कर्व हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। तो जहाँ से हमारी शेप डिस्टर्ब हो वहाँ पर हमें स्मूथ टूल का इस्तेमाल कर लेना है। तो हमारा जितना भी ऑरेंज वाला एरिया था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ से अगेन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जितना भी हमारा वाइट वाला एरिया अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये शेप भी बहुत ही इजी है।
सो हमारी इमेज का जितना भी वाइट वाला एरिया था वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सेम स्ट्रोक, और यहाँ से मैं इसको फिलअप कर दूंगा। सो अब चलते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ से दोबारा से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हमारा जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। सो इस शेप में भी थोड़े से कर्व हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट बने। तो हमारी इमेज का जो फाइनल पार्ट था वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से अब हम फिलअप कर देंगे। सो हमारी जितनी भी बाकी की शेप थी वो हाइड हो चुकी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा। सो अब बारी आती है इसमें कलर फिल करने की, तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसमें कलर फिल करेंगे। सेलेक्ट करेंगे सेम फिल स्ट्रोक और आई ड्रॉपर टूल से इसमें कलर फिल करेंगे। इसी तरह हम इसकी बाकी के पार्ट्स में भी कलर फिल करते हैं। सेलेक्ट करेंगे सेम फिल स्ट्रोक तो हमारी इमेज जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। रास्टर से वेक्टर ये इमेज बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।